जय श्री कृष्णा। भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़सायत अमावस्या कहते हैं। बड़सायत अमावस्या को बड़ की पूजा की जाती है। इस अमावस्या को बट सावित्री व्रत और बड़ अमावस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भद्र देश में अशुपति नाम का राजा था, जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़सायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़सायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा किया करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की आयु होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जाओ। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़सायत अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज जी बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी उसको दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं, ऐसा सावित्री ने कहा। धर्मराज बोले, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़सायत अमावस करने से और पार्वती जी का पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते ज्येष्ठ मास की अमावस्या आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना।
हे महाराज, जैसे बरसात अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें। धन्यवाद।